मोबाइल का टॉपिक का सेक्शन है, जैसे मोबाइल में प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन कहने का मतलब हम लोग का ये जो है मोबाइल में दो सेक्शन होता है, दो सेक्शन मतलब सिर्फ हम लोग आते हैं पावर सप्लाई के रिलेटेड में, इसलिए दो सेक्शन उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन किसको बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्शन किसको बोलते हैं आज हम लोग देखेंगे। प्राइमरी सेक्शन उसको बोलते हैं जो हम लोग को बैटरी से वोल्टेज सप्लाई होता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी कनेक्ट पावर स्विच प्रेस करने से पहले जो बैटरी से कनेक्ट की है बैटरी वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसकी सेक्शन में, तो हो गया पीएफओ सेक्शन, रिंगर सेक्शन, वीप भैट कहने का मतलब ये वाइब्रेटर सेक्शन और पावर सप्लाई सेक्शन। उसके बाद आता लाइट सेक्शन, बीटी कहने का मतलब ब्लूटूथ सेक्शन और वाईफाई सेक्शन। इसी सेक्शन में हम लोग पावर स्विच ऑन करने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है एग्जांपल में बोल सकते हैं 3.7 से लेकर 4.2 के अंदर टू तक, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन कहने का मतलब पावर स्विच प्रेस करने के बाद किस किस सेक्शन में वोल्टेज सप्लाई होता है, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ रिंगर हुआ, सीपीयू हुआ, सिम हुआ, मेमोरी हुआ, ईफआईसी हुआ, एलसीडी हुआ, ऑडियो कैमरा स्पीकर एक्सेट्रा, ऐसा बहुत सारा सेक्शन है कि जाता है। जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि पावर सप्लाई, ये सारा जब हम पावर स्विच प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसी सेक्शन में। तो ये अभी नॉर्मली हम लोग क्या किए, अभी सिर्फ हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन जाने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे ये वोल्टेज मेजरमेंट कौन कौन सेक्शन में किस तरह से और कैसे वोल्टेज आता है, जैसे प्राइमरी सेक्शन हुआ, सेकेंडरी सेक्शन हुआ, ये सी सेक्शन हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे इस क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।